ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। कब्रों पे जो लोग सब्ज पत्ते रखते हैं या फूल रखते हैं बिल्कुल नजायज है। ईद मिलाद नबी जो मनाई जाती है वो बिल्कुल बिदअत है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये ईद मिलाद नबी तो ईसाइयों की रस्म है, इस्लाम से तो उसका कोई ताल्लुक। अगर ये दीन होता, ईमान होता या मोहब्बत ही होती तो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली ना मनाते। तुम्हें 1400 साल के बाद ज्यादा मोहब्बत हो गई है। कहते हैं जी के गुज़िश्ता कल ताइफ में हुजूर के रास्ते में कांटे बिछाने वाली औरत की कब्र कहाँ है? क्यों रिश्तेदारी है तुम्हारी उससे? नहीं, उसकी कब्र क्यों ढूंढ रहे हो? कोई ताल्लुक है? दुश्मन की हुजूर की दफा हो, जहन्नम में गई, कब्र ढूंढ के क्या करना है? बहरहाल गुजारिश यह है कि अगर मर्द है या औरत है, उसको पेशाब के कतरों की बीमारी है और वो रुकते नहीं हैं, तो लाजमी बात है कि नीचे वो कुछ पैड वगैरह बांधे और हर नमाज के लिए वजू करे। मसलन मगरिब के लिए जो वजू किया है अब वो इशा तक काफ़ी है, नफिल पढ़े, तवाफ करे, कतरे गिरते रहें, कोई बात नहीं। इशा का वक़्त जब आएगा फिर वजू